क्या सचमुच यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ हो चुके हैं इंजर्ड, और इंजरी को लेके क्या वो मिस कर जाएंगे अगली सीरीज? और साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उसके साथ ही जडेजा को लेके आ रही है काफी बड़ी खबर, वो बन सकते हैं अगले युवराज सिंह। और गाइस यहाँ पे और ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है जो कि आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई का एक नया यंगस्टर यहाँ पे काफी बड़ा धमाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ए टू जेड सभी चीजों पे हम लोग फोकस डालेंगे, न्यूज के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, नॉर्मली इजिली आपको वीडियो अभी लेकर पूरा इंटरनेट देखना है। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, और पहली न्यूज निकल के आ रही है चेन्नई के नए बॉर्न सुपरस्टार निशांत सिंधु के बारे में। अगर निशांत सिंधु एक यहाँ पे टॉप क्लास सुपरस्टार अब हो सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे बात कर ले तो अभी फिलहाल दिलीप ट्रॉफी यहाँ पे चल रहा है जो कि नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए उन्होंने 245 बॉल में 150 रन ठोक डाले। सिर्फ यहाँ पे 19-20 साल के ये खिलाड़ी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस पूरा दिलीप ट्रॉफी में दिखाया है, और गाइस उसके बाद ये अपर ऑर्डर में आके इतनी शानदार बल्लेबाजी कर चुके हैं। और गाइस इस परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे इनकी काफी ज्यादा वाहवाही हो रही है, सभी फैंस काफी ज्यादा खुश हैं, साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट टीम इंडिया भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट सिलेक्शन थे जो मैचेस थे वो काफी ज्यादा बेहतरीन उन्होंने खेल के दिखाया। और कहीं ना कहीं चेन्नई के फैंस भी काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि निशांत सिंधु का इस ये जो परफॉर्मेंस निकल के आया है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन है, और इस पारी की यहाँ पे जरूर से काफी ज्यादा यहाँ पे वाहवाही होनी चाहिए। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे न्यूज को लेकर, और गाइस जो दूसरी न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ऋतुराज को लेकर। हाँ गाइस ऋतुराज अभी फिलहाल यहाँ पे हो सकता है फिर से इंजरी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कि महाराष्ट्र प्रीमियर लीग था उसका जो अंतिम दो मुकाबले थे वहां पे ऋतुराज खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। अब ये जब न्यूज सामने निकल के आई कि आखिर ऋतुराज खेल क्यों नहीं रहे हैं, क्या चीजें हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कैप्टन थे और यहाँ पे पुनेरी बप्पा के ये कैप्टन थे, और उसके बावजूद भी ये वहां पे जब मेन मौका था जब सेमीफाइनल फाइनल में जब टीम थी वहां पे ये नहीं खेल पाए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि भाई अब बताइए यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को हैमस्ट्रिंग की इंजरी है, अगर रिपोर्ट ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें हैमस्ट्रिंग की इंजरी उभर आई है, और इस वजह से ये लास्ट दो मैचेस मिस कर गए। अभी उतनी ज्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं निकल के आई है कि इंजरी है कैसी, हल्की है कि ज्यादा है, क्या ये कुछ महीनों मिस करने वाले हैं, अभी तक इस पर कोई भी क्लियरिटी निकल के नहीं आई है। सिर्फ यही खबर है कि यहाँ पे इन्हें इंजरी है, थोड़े से यहाँ पे हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है। अब उसे देखना होगा कि क्या ये हैमस्ट्रिंग इंजरी कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ज्यादा बढ़ के यहाँ पे जो कि इंडिया का अगला सीरीज वेस्ट इंडीज से होने वाला है वहां पे तीनों फॉर्मेट में ऋतुराज गायकवाड़ शामिल है, कहीं ना उससे कहीं ना दूर हो जाए, ये चीजें अब सामने काफी दिक्कत कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो इंजरी के कंसर्न की वजह से ही ये आप अपने जो लास्ट दो मैचेस थे एमपीएल के वो मिस करते हुए नजर आए हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और इस पे अभी जो भी चीजें सामने आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां तो मैं आपको क्लियरली सब चीजें बताता रहूंगा, जो भी चीज भी यहाँ पे ऋतुराज से निकल के आएगी वीडियो पे पहले वहां पे चीजें पहुंच जाएंगी, तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरे क्लियरिटी मैं बता दूंगा। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगली चीज को लेकर, और गाइस यहाँ पे बुमराह और केएल राहुल इंजरी से वापसी कर रहे हैं। हाँ गाइस यहाँ पे कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं वो इंजरी से यहाँ पे वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये दोनों खिलाड़ी वापसी करेंगे और एशिया कप में टीम इंडिया का ये हिस्सा रहते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि आईपीएल के समय पे केएल राहुल चोटिलों के बाहर हुए थे और बुमराह तो पिछले एक साल से ही बाहर चल रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी खबर निकल के आ रही है कि ये दोनों खिलाड़ी वापसी करेंगे, और वर्ल्ड कप के मद्देनजर रखते हुए टीम इंडिया को ये चीजें काफी जरूरत लग रही थी। तो गाइस फाइनली में बात करने वाले अगले न्यूज को लेकर, और ये आ रही है श्रीकांत को लेकर। हाँ गाइस श्रीकांत को लेकर काफी बड़ी अपडेट इन्होंने बयान दिया, और ये बयान यहाँ पे दिया है जड्डू को लेकर। हाँ गाइस रविंद्र जडेजा को लेकर काफी बड़ी यहाँ पे इन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जडेजा वो काम कर सकते हैं इस बार वर्ल्ड कप में जो युवराज सिंह ने 2011 में किया था। हाँ गाइस आपको भी पता है कि युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में थे, मैन ऑफ द सीरीज बने थे, परफॉर्मेंस काफी बेहतर निकल के आई थी, और अब वही जो उम्मीद है वो जड्डू से लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी पता है कि सेम पैकेज पे यहाँ पे चीजें हैं, जो कि युवराज सिंह काम करते थे वही काम अब जड्डू कर रहे हैं। अब भले पहले जडेजा की बैटिंग उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब तो बल्लेबाजी भी अव्वल दर्जे की हो चुकी है, ये हर शॉट इनके पास है, बॉलिंग तो आप जानते हैं कि इनकी सबसे पहली प्राइमरी है, तो यानी पूरी अगर ओवर एंड ऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें
तो यहाँ पे जड्डू काफी बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं। और यही चीज मानना है कि अगर यहाँ पे टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो जो काम युवराज सिंह ने 2011 में किया था वो काम जड्डू 2023 में करेंगे, तब यहाँ पे इंडिया जीत पाएगी, क्योंकि कंडीशन वही है, माहौल वही है, मैदान वही है। और यहाँ पे बात कर लें तो यही चीज है कि जडेजा को यहाँ पे फिर से वही काम करना पड़ेगा जो यहाँ पे युवराज सिंह किए थे, और ये काम बखूबी करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि इस साल हमें नया मैन ऑफ द मैच इस पूरे वर्ल्ड कप में यहाँ पे बात करें जडेजा लिखते हुए नजर आ सकते हैं। तो फाइनल बात करने वाले अगले न्यूज को लेकर, और ये है मुथैया मुरलीधरन को लेकर। हाँ, मुथैया मुरलीधरन ने काफी बड़ा यहाँ पे बयान दिया है। उन्होंने कहा है इफ जडेजा प्ले ऑल द मैचेस ही विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर इन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाँ गाइस, ये काफी बड़ा बयान निकल गया है कि अगर ये पूरा टूर्नामेंट अगर जड्डू खेलेंगे, पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो ये इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहेंगे। अब इनका कहना भी सही है क्योंकि यहाँ पे जो मैचेस होने वाले वेन्यूज इंडिया के हैं और इंडियन वेन्यूज पे यहाँ पे काफी खतरनाक जडेजा रहते हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और टेस्ट मैचेस में तो यहाँ पे सामने वाली टीम को ये भटकने तक नहीं देते हैं। तो अगर ये पूरा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो आप समझ सकते हैं कि जड्डू इस साल क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। और इसीलिए जडेजा पे काफी निगाहें हैं, काफी लोग फोकस कर रहे हैं जड्डू पे, और जड्डू पे हमारी भी निगाहें हैं कि ये परफॉर्मेंस बेहतर करके दिखाएंगे और इस साल इनका परफॉर्मेंस अव्वल दर्जे का निकल के आएगा। तो गाइस ये थी वो सभी न्यूज़ जो कि आज के डेट में निकल के आएगी, मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस फटाफट से आप बताइएगा कि आपके लिए कौन सी खबर थी सबसे ज्यादा अच्छी आपके अपनी, जो हो रहा है कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं।